Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika BEC classes. So today we are studying the DU entrance exam 2022. Okay, so basically आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं MSS Zoology का पेपर सॉल्यूशन 2021 का, जिसका कि आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे. ओके, पार्ट फर्स्ट में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लैट फॉर्म. यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लैट फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, यहाँ पे कौन सा नहीं है, नॉट है. ठीक है, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ऑप्शन थर्ड दिया है मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, एंड ऑप्शन फोर भी दिया है ट्रैपलोब्लास्टिक एंड सीडोक्लोमेट. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट है ऑप्शन फोर करेक्ट है, ट्रैपलोब्लास्टिक एंड सीडोक्लोमेट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है. ओके, सो द फोर ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्पीसीज टैक्सोनॉमी टर्म्स कैन बी मोस्ट क्लोजली डिफाइंड एज. यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस दिए ग्रुप ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन डेट मे इंटरवेंड, ऑप्शन सेकंड दिया है कैटेगरी टू विच मोस्ट टैक्सोनॉमी इन्फॉर्मेशन इज द अटैच, एंड ऑप्शन थर्ड दिया फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड ऑप्शन फोर यहाँ पे दिया ए पॉपुलेशन हैविंग सब इवोल्यूशनरी बेसिक ऑफ फ्री जीन्स फ्लो. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्सोनॉमी की स्पीसीज में कौन सा टर्म यहाँ पे मोस्टली क्लोज डिफाइंड हुआ है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट ऑप्शन फोर करेक्ट है, ए पॉपुलेशन हैविंग सब इवोल्यूशनरी बेसिक एंड फ्री जीन फ्लो. ओके, तो द फोर ऑप्शन यहाँ पे राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्पीसीज इनहैबिटिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन आर नोन एज. यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि स्पीसीज इनहैबिटिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स इज नोन एज, क्या इनका रीजन और नोन एज हो रहा है. ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहाँ पे दिया है एलोपैट्रिक स्पीसीज, ऑप्शन सेकंड में सिबलिंग स्पीसीज, ऑप्शन थर्ड है सिम्पैट्रिक स्पीसीज, एंड ऑप्शन फोर है बायो स्पीसीज. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाया, आप हमारे अगर टेस्ट को भी ज्वाइन की होंगी तो वहाँ पे पता होगा कि इस टाइप्स के क्वेश्चन ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए गए, जो कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया है. ये क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब के वीडियो में भी डिस्कस किया. तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का राइट है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, एलोपैट्रिक स्पीसीज होगा. ओके, सो द ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक लोकोमोटरी ऑर्गनल्स. ओके, यहाँ पे लैक लोकोमोटरी ऑर्गनल्स क्या होगा. ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है फैजिलेटेड, ऑप्शन सेकंड है राइजोपोडा, ऑप्शन थर्ड है सिलिएटा, एंड ऑप्शन फोर है स्पैरोजोआ. क्वेश्चन नंबर जो फोर का करेक्ट है ऑप्शन फोर राइट है, स्पैरोजोआ होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रा इज कैरेक्टराइज बाई. यहाँ पे लाइफ हाइड्रा का लाइफ साइकिल क्या कैरेक्टर है इसमें. ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ बोथ पॉलीप एंड मेडुसा फेज, ऑप्शन सेकंड है पॉलीफेज रीडोमिनेंट एंड मेडुसा फेज यूजली एब्सेंट, एंड ऑप्शन थर्ड है पॉलीफेज नियरली एब्सेंट एंड मेडुसा फेज यूजली रीडोमिनेंट, एंड ऑप्शन फोर एब्सेंस ऑफ बोथ पॉलीप एंड मेडुसा फेजेस. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट है ऑप्शन सेकंड करेक्ट है पॉलीफेज प्रीडोमिनेंट एंड मेडुसा फेज यूजली एब्सेंट. ओके, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्राइमरी होस्ट ऑफ फेसियोला इज. फेसियोला का प्राइमरी होस्ट क्या होता है. ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिया है रैट ऑफ है पिग ऑफ है सीप, एंड ऑप्शन फोर है ह्यूमन. तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्राइमरी होस्ट होता है फेसियोला का सीप होता है. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन है, वॉलेस लाइन प्रेजेंट इन बिटवीन. इनके बीच में कौन सा प्रेजेंट होता है, वॉलेस लाइन. क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन होता है जिसमें कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर एट है, द अलार्मिंग रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रिसेंट ईयर इज मोस्टली ड्यू टू. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द अलार्मिंग रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रिसेंट ईयर इज मोस्टली ड्यू टू. क्या मोस्टली ड्यू हो रहा है रिसेंट ईयर में इन द बायोडाइवर्सिटी. ओके, अलार्मिंग रेट इनका. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो एट का राइट है ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, हैबिट डिस्ट्रक्शन होगा. ओके, सो द सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायोनियर टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास विल. यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायोनियर टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास विल. यहाँ क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट है ऑप्शन फोर करेक्ट है, इंक्रीज कंटिन्यूसली होगा. ठीक है, द फोर ऑप्शन यहाँ पे राइट है. ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 है द रीजन ऑफ इंडिया डेट इज नॉट एट मार्केट एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि द रीजन ऑफ इंडिया डेट इज द नॉट एट द मार्केट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट है ऑप्शन 4 करेक्ट है, गैंगनेटिक प्लान होगा। ओके, सो द 4 ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डेट एक्सट्रैक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एयर इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डेट एक्सट्रैक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट द फ्रॉम द देयर इन्वायरमेंट कन्वर्ट देम इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड, क्या क्लासिफाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट है ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होगा। ओके, सो द सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, 12 क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टाइप ऑफ फूड चैन इट इज, यहाँ पे कितने टाइप्स की फूड चैन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे डेड एनिमल्स लो फाइव मैंगो फ्रॉग एंड स्नैक, तो यहाँ पे इनका फूड चैन कितने टाइप्स के होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट है डिट्रियल फूड चैन होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट है। ओके, नंबर 30 एलेलोपैथी रिफर टू, एलेलोपैथी क्या रिफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज अनदर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिट। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विद द लिस्ट सेकेंड, यहाँ पे मैच करना है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड सर। ओके, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में देखिए क्या, लिस्ट में फर्स्ट में ए में दिया टीनिया, ऑप्शन बी में दिया ओबिलिया, ऑप्शन थर्ड में दिया इनिया एंड ऑप्शन डी में दिया ब्लेनोग्लॉसिस, तो इनके लिस्ट सेकेंड में क्या करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 40 का राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, यहाँ पे ए का फर्स्ट होगा, यानी ए का जो है आपका फर्स्ट होगा एंड जो बी का है थर्ड होगा, ओबिलिया का प्लानुला होगा एंड सी का जो है सेकेंड होगा यहाँ पे एंड जो डी का दिया ब्लेनोग्लॉसिस का यहाँ पे दिया है आपका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है ए हेल्टेरे इज ए एन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन दिया है वेस्टिबुलर ऑर्गन ऑफ बटरफ्लाई, ऑप्शन सेकेंड दिया मॉडिफाई फॉर विंग ऑफ बैटल, ऑप्शन थर्ड दिया ब्लेसिंग ऑर्गन ऑफ हाउस फ्लाई एंड ऑप्शन फोर्थ दिया ऑर्गन यूज्ड बाय द मेल इंसेक्ट ऑफ अट्रैक्ट फीमेल ऑफ द मैटिंग। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ब्लेसिंग ऑर्गन ऑफ हाउस फ्लाई। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्जोक्लोमेट्स, यहाँ पे सिक्जोक्लोमेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर किस में हो रहा है, ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट दिया है प्लैटी हेलमेंथीज एनालिडा एंड मोलस्का, ऑप्शन सेकेंड दिया है एसके हेलमेंथीज एनालिडा ऑर्थोपोड, ऑप्शन थर्ड दिया एनालिडा ऑर्थोपोड एंड मोलस्का एंड ऑप्शन फोर्थ दिया ऑर्थोपोडा मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। तो सिक्जोक्लोमेट किस में फॉलोइंग होता है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, एनालिडा ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इन वायरस विच डिस्टर्ब द सीक्रेट पीरल। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 द कॉमन कैरेक्टर ऑफ एनोफिलिस हिरंडिया क्लाइक्स एंड जेनोफिल्सा। ओके, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है ऑल हैव नेफ्रेडिया, ऑप्शन सेकंड है सलाइवा कंटेन द एंटी कॉन्गुलेंट ऑल आर इंसेक्ट्स एंड ऑप्शन 4 है ले एग्स ऑन स्टैगनेंट वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 18 का राइट है ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट है, सलाइवा कंटेन एंटी कॉन्गुलेंट। ओके, सो द सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 है फॉलोइंग आर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिफेलिक अपेंडेज ऑफ प्रॉन, यहाँ पे प्रॉन का सिफेलिक अपेंडेज स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है देयर आर 3 पेयर ऑफ सिफेलिक अपेंडेज ऑफ प्रॉन एंड स्टेटमेंट सेकेंड में दिया है द सिफेलिक अपेंडेज ऑफ प्रॉन और द एंटीना मैंडिबल्स एंड द मैक्सिलिया। इन द लाइट ऑफ एवर वी स्टार्ट चूज द मोस्ट एप्रिसिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो दिया गया वो करेक्ट है, मोस्ट एप्रिसिएट आंसर है इन ऑप्शन में से। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दिया है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड और द करेक्ट, सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड और इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन दिया स्टेटमेंट फर्स्ट और करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन फोर दिया स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 90 का करेक्ट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है बट स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो इनकरेक्ट है। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर्मेशन ऑफ माइग्रेटरी लोकस्ट स्वार्म अकर ड्यू टू, यहाँ पे फॉर्मेशंस के इनके फॉर्मेशंस में माइग्रेटरी लोकस्ट में क्या यहाँ पे अकर ड्यू हो रहा है,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 का राइट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड प्लेंटी ऑफ द फूड देयर इन द ब्रीडिंग प्लेस। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्मोफ्रेडियम इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पे क्या एसोसिएट कर रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सेकेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन थर्ड है एक्सक्रीटरी सिस्टम, फोर है ऑल्फैक्टरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का जो राइट है ऑप्शन फोर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज द नॉट ट्रू फॉर द डिस्मोसोम्स। ओके, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफाई कर इन स्टेटमेंट में से नॉट ट्रू है, कोई नॉट ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द डिस्मोसोमल कैड्रियंस आर लिंक्ड टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन बाय द एडेप्टर प्रोटीन। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, द जोनुला ऑक्ट्यूड प्रोटीन इन टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल सीट इन द रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे एपिथेलियल सेल में क्या रिक्वायर्ड कर रहा है टाइट जंक्शन में। ओके, क्यों नंबर जो 23 का राइट है ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, लिंकिंग द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द टाइट जंक्शन प्रोटीन टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन। ओके, सो द सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन द मेंटेन एट द 7.0 एंड द पीएच ऑफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रिमेन द अनअफेक्टेड। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो का मेंशन जो कर रहा है वो 7.0 है इसका पीएच, द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस द रिमेन द अनअफेक्टेड। ओके, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहाँ पे दिया एटीपी सिंथेसाइज वुड बी द अनअफेक्टेड, ऑप्शन सेकेंड है मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन थ्रॉट द F0 कम्प्लेक्स रेड्यूस, एंड ऑप्शन थर्ड दिया द पोटेंशियल वुड रिमेन द 140 MB, एंड ऑप्शन फोर्थ दिया एडीपी वुड बी इन टू द मैट्रिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 24 का राइट है ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन थ्रॉट द F0 कम्प्लेक्स रेड्यूस। ओके, सो द सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे कौन सा नॉट है, नॉट एन एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर जो 25 का राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, एकेरिन होगा। ओके, सो तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। ओके, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट फर्स्ट आज डिस्कस किया, पार्ट फर्स्ट में हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। 25 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 21 में जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चन में कुछ बेसिक भी क्वेश्चन थे, कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन थे, बट अभी तक 25 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि बेसिकली किस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो आपका एनिमल किंगडम इंक्लूड था, टैक्सोनॉमी इंक्लूड था, एंड इकोलॉजी की क्वेश्चंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में जो 25 से आगे क्वेश्चन हैं उनमें कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप पेपर के अनदर अगर अदर कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके लिए प्रैक्टिस होगा। ओके, आई जस्ट होप कि हमने जो ये पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।